अंतर्विराजित परम पावन आचार्य प्रवर के चरणों में वंदन। उपस्थित बंधुओं और बहनों, पिछले कई दिनों से डायलॉग विथ मॉन्क का क्रम चल रहा है और उसी क्रम में हम चर्चा कर रहे थे सुखी बनने के सूत्रों की, जिसमें पहला सूत्र सीखा गया था भाव क्रिया, वर्तमान में जीना। दूसरा सूत्र प्रतिक्रिया विरति, प्रतिक्रियाओं से बचना। तीसरा था मैत्री, फ्रेंडशिप का। चौथा सूत्र था मिताहार, भोजन को सीमित करना। और आज का टॉपिक लिया गया है आर्ट ऑफ स्पीकिंग। जहां पे भी कोई काम किया जाए वह एक कार्य होता है, और उसी को यदि तरीके से सुंदरता के साथ किया जाए तो वो आर्ट बन जाता है। यदि आपने टेढ़ी मेढ़ी लाइनें खींच दी तो वह सिर्फ लिखना हो गया, और उसी को एक व्यवस्थित तरीके से बना दिया तो वो आर्ट हो गया। बोलना एक क्रिया है, बट यदि उसी बोलने को तरीके से बोला जाए तो वो बोलना भी एक आर्ट हो सकता है। बोलना एक ऐसी क्रिया है जो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा होने वाली क्रियाओं में से एक है। बहुत से लोग आपस में बोलते हैं, परिवार में दोस्तों के साथ बोलते हैं, जहां काम करते हैं वहां बोलते हैं, दुकान पे बोलते हैं, फैक्ट्री पे बोलते हैं, और कुछ लोग अकेले भी बोलते हैं। वो बोलते ही चलेंगे, उन्हें कोई मतलब नहीं है कोई सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, वो बोलते रहेंगे। उन सब बोलने में कुछ चीजों का यदि हम ध्यान रख लें तो वह बोलना अपने आप में आर्ट हो जाता है। उन सूत्रों की चर्चा मैं आप लोगों के सामने करना चाहूंगा, क्योंकि हम जो बोलते हैं उसका कनेक्शन सुख के साथ है। आदमी अधिकांश सुख या दुख को पैदा करने में बोलने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। कोई ऐसी बात बोलता है कि वो दुखी बनने की दिशा में बढ़ जाता है, और कभी ऐसी बात बोलता है कि वो सुखी बनने की दिशा में आगे बढ़ सकता है। तो बोलने का हैप्पीनेस के साथ क्या संबंध है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि बोलना आखिर है क्या, व्हाई वी स्पीक। बोलने का सीधा सा कारण है, मुझे मेरी बात आप लोगों तक पहुंचानी है, और पहुंचाने का एक टूल है बोलना। चाहे इसे मैं बोलना कह दूं या लिखना कह दूं, चाहे आज की भाषा में चैटिंग कह दूं, इन तीनों का उद्देश्य एक ही है, मेरे भीतर के भावों को आप तक पहुंचाना। इसके सिवाय कोई चौथा सीधा सा उद्देश्य नहीं है। उसका माध्यम भाषा बनती है, संकेत बनते हैं, वे सब भाषा के ही प्रकार हैं। चाहे हिंदी में बोले, अंग्रेजी में बोले, दूसरी भाषा में बोले, अर्थ इसका यही है कि मेरी बात आप तक पहुंच जाए। और जब व्यक्ति समूह में जीता है तो उसे इस संवाद को डेवलप करना होता है, ताकि समूह समाज एक दूसरे के विचारों से लाभान्वित हो सके। अब इस बोलने के क्रम को यदि हमें ठीक करना है तो सबसे पहले यह सीखना चाहिए कि कब बोलना, क्यों बोलना, कैसे बोलना, कब बोलना, कहां बोलना। इन सब चीजों को यदि नहीं सीखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। और बहुधा देखने में यह आता है कि आदमी जब मर्जी आए तब बोल देता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसे यह सोचना चाहिए कि कौन सी बात कब बोलनी चाहिए, कब नहीं बोलनी चाहिए, इसका विवेक होना बहुत जरूरी है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति जापान गया और जापान में उसने एक गाड़ी देखी। उस गाड़ी में ड्राइवर नहीं था, तो उसने देखा कि ये नई गाड़ी है। ध्यान से देखा तो उस गाड़ी में न तो स्टीयरिंग था, न ब्रेक था, न क्लच था,
न एक्सीलेटर न गियर कुछ भी नहीं। तो बोला ये गाड़ी किधर से चलेगी, इधर चलेगी उधर चलेगी, कुछ समझ में नहीं आया। तो कंपनी वालों ने बताया कि ये गाड़ी वॉइस कमांड से चलती है। बोला कैसे? बोला जैसे आप भगवान को याद कैसे करते हो? तो बोला हम तो जब कोई भी काम हो जाता है तो बोलते हैं बोल बजरंग बली की जय। तो बोला ठीक है, उसने उसकी रिकॉर्डिंग की, रिकॉर्डिंग करके गाड़ी में सेट कर दिया और बोला इसमें बैठो और बोलो बोल बजरंग बली की जय। तो उस आदमी ने बोला बोल बजरंग बली की जय और गाड़ी वहां से चल पड़ी। बोले तो जोरदार कमाल हो गया, भगवान का नाम लो और गाड़ी चल पड़ेगी, अब इसको रोकना कैसे? तो उन्होंने कहा कि जब रोकना हो तो सिर्फ इतना बोलना है स्टॉप, तो गाड़ी रुक जाएगी। तो उसे गाड़ी पसंद आ गई, उसने ऑर्डर किया, शिपमेंट करवाया और हिंदुस्तान लेके आ गया। अब कोई भी आदमी कोई नई चीज खरीदता है और जब तक वो परिवार वालों को अड़ोसी पड़ोसी को नहीं दिखा दे कि आई हैव समथिंग स्पेशल, तब तक उसको चैन नहीं मिलती, खरीदा हुआ बेकार हो जाता है। एक ज्वेलरी खरीद ली और शादी में या महाराज के ठिकाने गए और नहीं पहना तो उसका खरीदना बेकार है। नई साड़ी ली और नहीं पहना, नहीं दिखाया फंक्शन में, तो मतलब ही नहीं है। तो अब गाड़ी आते ही उसने अपने सब यार दोस्तों को परिवार वालों को बुलाया और कहा कि नई गाड़ी लेके आया हूँ। सब इकट्ठे हुए, बोला कि यार ये डब्बा उठा के कहाँ से ले आया, ये गाड़ी नहीं है, न तो इसमें स्टीयरिंग है न ब्रेक है क्लच है एक्सीलेटर कुछ भी नहीं है। उसने देखो मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ बैठो। उसने उसे बिठाया, बिठा करके कहा कि बोल बजरंग बली की, सबने कहा जय, गाड़ी चल पड़ी। सब देखते रह गए, गाड़ी तो जोरदार है। अब वो गाड़ी जा रही थी और वो आदमी रोकना कैसे इसे भूल गया। कभी कभी होता है कि मेमोरी से कोई चीज रिकॉल नहीं होती, और सामने आ रही थी नदी, अब वो रोड सीधी जाएगी तो नदी की ओर निकल जाएगी, बड़ी समस्या होगी। अब सब घबराए, बोला गाड़ी रोको। बोला रोकूं कहां से, इसमें ब्रेक नहीं है, मुझे याद करने दो कि गाड़ी रुकती कैसे। अब सबकी सांसें ऊपर की नीचे हो गई, सब लोग सोचने लगे पता नहीं ये कहां से आया, क्यों उठा के लाया। इतने में संयोग की बात है कि जैसे ही नदी से 10 मीटर दूर थे, उस आदमी को याद आ गया, उसने बोला स्टॉप, गाड़ी रुक गई। रुकते ही सब एक साथ चिल्लाए बोल बजरंग बली की जय, काम हो गया और गाड़ी चली। और कहां बोलना, कब बोलना, क्या बोलना, ये बहुत आवश्यक है। यदि आपको ये नहीं पता कि नदी के 10 मीटर दूर पे आप बोलोगे उसका रिजल्ट क्या होने वाला है, तो फिर रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए बोलने से पहले तोलना चाहिए। आचार्य श्री महाश्रमण जी प्राय फरमाते हैं थिंक बिफोर यू स्पीक, पहले तोलो फिर बोलो, भाषा तोलनी है पछे बोलनी है। तो यदि हम पहले से सोच लें कि मुझे क्या बोलना है, कब बोलना है, कहाँ बोलना है, तो इस तरीके की कोई भी समस्याएं आपके लाइफ में नहीं आती। दो चीजें हैं, या तो है कि बोलने से पहले सोच लो, या फिर बोलने के बाद अब सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्यों बोल दिया। तो बेटर है कि पहले सोच लें ताकि बाद में सोचना न पड़े कि ऐसा न बोलता तो अच्छा रहता। कब बोलने के साथ क्या बोलना, कैसे बोलना, इन सब चीजों को भी सीख लेना चाहिए। सबसे पहला आर्ट है बोलने का, कहाँ बोलना, कब बोलना। दूसरा आर्ट, यदि बोलना ही पड़े तो कम बोलना। यदि आप ज्यादा बोलेंगे तो उस चीज की कीमत कम हो जाती है। जो भी चीज मार्केट में ज्यादा क्वांटिटी में होती है तो उसकी वैल्यू घटती है, जो चीज अवेलेबल कम होती है उसकी वैल्यू बढ़ती है। जो ज्यादा बोलता है उसकी वैल्यू कम होती है, और जो कम बोलता है उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। दो तरीके की ज्वेलरी है, एक ज्वेलरी है जिसे हम कहते हैं पायल या पाजेब, वो बोलती है या चुप रहती है, बोलती है। उसकी जगह कहां पे है, पैरों में। दूसरी ज्वेलरी है नेकलेस,
वो बोलती है या चुप रहती है? वो नहीं बोलती है, उसकी जगह कहां है? गले में। तो जो ज्यादा बोलता है उसकी वैल्यू पैरों जितनी होती है, जो कम बोलता है चुप रहता है उसको लोग हृदय के लगा के रखते हैं। संस्कृत भाषा में कहा गया, मौखर्यम लाघव करम मौन मुन्नति कारकम मुखुरो नूपुरो पादे कंठे हारो विराजते। कि मौखर्य है ज्यादा बोलना, वो आदमी को हल्का करने वाला, छोटा बनाने वाला होता है, और मौन है वो उन्नति का कारक होता है। तो यदि आपको अपनी प्रेस्टीज बढ़ानी हो, यदि आपको अपना इम्पोर्टेंस बढ़ाना हो, तो कम बोलने का अभ्यास कर लो। और जो कम बोलता है उसकी बात लोग ज़्यादा मानते हैं, उसके आँख के इशारे से काम होता है। जो ज़्यादा बोलता है, यदि बच्चों को भी आप ज़्यादा डांटेंगे तो बच्चे आपका कहना मानना बंद कर जाएंगे, जिसे ठेठ मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि डेटा हो गया। उसका रीजन एक ही है कि माँ बाप इतना बोलते हैं कि उस पर असर ही नहीं होता। और वही चीज उसे कम बोली जाती है, तरीके से समझाई जाती है, तो वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है और आपकी वैल्यू भी उसके नजरों में बनी रहती है। तो कम बोलने का अभ्यास बहुत दृष्टि से लाभदायक है। जब हम बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि हमारी एनर्जी नहीं जाती। जिस समय हम बोलते हैं तो एक बोलने के दौरान कितने मसल्स को काम करना पड़ता है, ब्रेन के कितने न्यूरॉन्स को एक्टिवेट होना पड़ता है, तब हमारी भाषा काम करती है। तो हमारी इतनी सारी एनर्जी यदि वेस्ट हो जाए, तो ऐसा नहीं हो कि हमारी ज़्यादा बोलने के आदत के कारण लोग कतराने लगे कि उस आदमी से बतलाया नहीं और गले पड़ जाएगा। ऐसी स्थिति न आए तो अच्छा। एक बार एक दोस्त के सिर में दर्द हो रहा था, तो उसे दूसरे ने पूछ लिया कि भैया क्या बात है, आज मुंह लटका हुआ क्यों है? तो उसने कहा कि मेरे सिर में दर्द हो रहा है। बोला, अच्छा क्या हुआ? अब वो उसको अपनी पूरी गाथा दुखड़ा सुनाने लगा, एक घंटे तक छोड़ा नहीं। एक घंटे बाद बोला, पता नहीं मुझे मेरा सर दर्द बहुत हल्का लग रहा है, पता नहीं ये दर्द कहाँ चला गया। उसके दोस्त ने कहा, कहीं नहीं गया, मेरे सर में आ गया। तो ऐसा न हो कि हमारा ज्यादा बोलना दूसरे के सरदर्द का कारण बन जाए। यदि हम थोड़ा मौन का अभ्यास करें तो ये वाक गुप्ति की साधना हो जाएगी। और जैन धर्म में मौन को बहुत महत्व भी दिया गया है। बहुत से लोग दिन में एक घंटा, दो घंटा, आधा घंटा, पर्यूषण में दो घंटा, पांच घंटा मौन का अभ्यास करते हैं। तो ये मौन के अभ्यास को नियमित रूप से अपनी दिनचर्या का अंग बना लें कि मुझे दिन में कम से कम एक घंटा, दो घंटा, चार घंटा, जितना हो सके उतना मौन करना है। और मौन न कर सके तो इतना सीख लें, आचार्य श्री महाश्रमण जी कहते हैं कि अनावश्यक न बोलना बड़ा मौन है। कम से कम अनावश्यक न बोलें, जितनी जरूरत है सिर्फ उतना बोलें। इसे हम यूं कह सकते हैं कि यूज योर वर्ड्स लाइक अ करेंसी। यदि आपके पास में मनी है, करेंसी है, तो आप उसे कैसे खर्च करते हैं? सोच समझ के। किसी दुकानदार से क्या एक रिक्शे वाले से भी पूछेंगे कितना रुपया लेगा? बोला 20, तो बोला नहीं 15 में चले तो बोलो। सब्जी लेने भी जाते हैं तो 2 रुपया 5 रुपया कम ज्यादा करवाते हैं, होता है कि नहीं? होता है। इसी तरीके से जब बोले तो ये देख ले कि क्या मेरा काम 2 लाइन कम बोलने से हो सकता है, क्या मेरा काम 2 शब्द बोलने से हो सकता है, या मुझे पूरा 2 मिनट तक उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो जहां जरूरत है, जितना आवश्यक है उतना ही बोले, तो आप अपने समय को और अपनी एनर्जी को बहुत कुछ बचा सकेंगे। यदि बोलना ही पड़े, कुछ बोलना है तो कैसे बोले? पहली चीज हो गई कि कब बोलना, कहां बोलना, इसका ध्यान रखें। दूसरी चीज हो गई, हो सके वहां तक कम बोले। अब कम भी बोलना पड़े तो क्या करना चाहिए, उसके बारे में एक चीज सीख लें। थॉट्स, वर्ड और एक्शन, मन, वचन और काय। मन से हम चिंतन करते हैं, थॉट्स आते हैं, उसी चीज को हम वाणी से बोलेंगे तो वो वर्ड्स हो जाएगा।
और उसी को जब हम एक्शन में लेंगे तो वो काया का योग हो जाएगा। तो इन तीनों का आपस में एक पूरा कनेक्टेड ट्रायंगल है जो तीनों एक दूसरे से कनेक्ट है। यदि आप बैठते समय में ऐसे बैठ जाओ तो थोड़ी देर में मन अपने आप में विचार उदासी के आने लगेंगे, और यदि चेहरे पे स्माइल हो तो आपको भीतर से अपने आप खुशी आने लगेगी। यदि आपको आलस की मुद्रा होगी तो थोड़ी देर में आलस के विचार आएंगे, सो जाओ। तो जैसी मुद्रा वैसा भाव, और जैसा भाव उसी तरीके के शब्द होंगे। जैसा शब्द होगा वैसा ही हमारे दिमाग में सबकॉन्शियस में वापस जाएगा। इसलिए बंधुओं ध्यान रखें, जब कभी भी बोलना पड़े तो पॉजिटिव एफर्मेशन दें। नेगेटिव बोल करके अपने दिमाग को बार बार नेगेटिविटी की ओर न ले जाएं। एक बहन मेरे पास आई, बोला कि महाराज मुझे याद नहीं रहता है, आजकल मैं भूल जाती हूँ, कोई भी चीज़ मुझे याद नहीं रहता, तो मुझे कोई उपाय बताओ कि मुझे याद आ जाए, याद रह जाए। मैं कहा सबसे पहला तो ये काम करो, मुझे याद नहीं रहता इसको बोलना बंद कर दो। आपको पता है कि मेरा नाम क्या है? बोला पता है। तो आपको याद रहता है ना? आपका नाम क्या है? वो भी याद है। कौन से गांव से आए हैं? वो भी याद है। तो ये न सोचें कि 100 चीज याद रहती है, 2 चीज याद न भी रहे और हम दिमाग को बोलते जाएंगे मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता, मुझे याद नहीं रहता, तो याद होगा भी नहीं। यदि हम इसे पॉजिटिव साइड ले लें कि मुझे लगभग सारी चीज याद रहती है, तो आप सही भी हैं और आपका दिमाग आपको हर चीज याद रखने की डायरेक्शन में ले जाएगा। ऐसे एक नहीं अनेकों एग्जाम्पल हैं। मैं कोई भी काम करता हूं मुझे सक्सेस नहीं मिलता। हो सकता है आपके साथ एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, दोबारा ऐसा हो गया हो, या तीसरी बार कोई सामान्य सी घटना हुई हो, उसे आपने वैसे ही ले लिया हो। बट इसका मतलब ये नहीं कि हर काम में आपको असफलता ही मिलती है। तो यदि हम पॉजिटिव एफर्मेशन को बढ़ा दें तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। सबसे ज़्यादा नेगेटिव एफर्मेशन का प्रयोग होता है मेरी जानकारी में बच्चों के साथ। यदि बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, आप कहते हैं ये बहुत जिद्दी है, बहुत बदमाश है, बहुत चंचल है, लड़ाई झगड़े में मन रहता है, पढ़ाई नहीं करता है, पता नहीं उसे दिन में सुबह से शाम तक फलका ज़्यादा खिलाते हैं या नेगेटिव एफर्मेशन ज़्यादा देते हैं। उसकी फीडिंग यदि नेगेटिव एफर्मेशन के साथ है, नेगेटिव एटीट्यूड के साथ है, वो बच्चा भी धीरे धीरे यही सीखता है, तुम बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी हो। वो दिन में 10 बार सुनता है मैं बहुत जिद्दी हूँ, तो वो जिद करना बढ़ा देता है क्योंकि वो जिद्दी है, और जिद्दी आदमी जिद नहीं करेगा तो कौन करेगा। ये कभी कहना नहीं मानता, ये पढ़ाई नहीं करता, ऐसा होता है कि नहीं होता है? इसे बदलना है। आप जब कभी बच्चों में कोई पॉजिटिव चीज देखें तो उसे मोटिवेट करें कि देखो इसने मेरे कहते ही काम कर लिया। हो सकता है आपने उसे यही कहा कि चॉकलेट खा लो और उसने खा लिया, तो भी बोलो कि इसने मेरे कहते ही काम कर लिया, मेरा कहना मानता है। ऐसा आप 10 बार बोल के देखो, फिर उसे आप बोलोगे कि पढ़ ले बाबू, तो वो पढ़ने भी बैठ जाएगा। पर यदि नेगेटिव नेगेटिव बोलेंगे तो फिर पॉजिटिव की अपेक्षा कैसे की जाएगी? जो डालेंगे वही तो निकलेगा। इसी तरीके से खुद के बारे में भी कितने नेगेटिव विचार हैं उसकी कोई सीमा नहीं है। किसी आदमी को डर लगता है तो उसके लिए आप देखेंगे कि जिसे किसी को छिपकली से डर लगता है, किसी को चूहे से डर लगता है, किसी को कॉकरोच से लगता है, किसी को बिल्ली से लगता है। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में वो चीज़ सेट हो गई कि मुझे इससे डर लगता है, और नेक्स्ट टाइम जब कभी वो दिखेगा तो डर आ जाएगा। उसी चीज़ को निकालना है तो धीरे धीरे उसका अभ्यास शुरू करें, तो आप अपने आप पॉजिटिव साइड में चले जाएंगे। जैसे एक पेड़ को आपने एक रस्सी 200 बार घुमा के गोल कर दी, अब उसे रस्सी को खोलना हो तो क्या करेंगे? उल्टा घुमाना पड़ेगा। तो जितनी नेगेटिव काउंसलिंग दिमाग की हुई है,
जितना नेगेटिव ट्रेंड किया है उसको उतने ही ज़्यादा पॉजिटिव एफर्मेशन से वापस ट्रेंड करें कि आपका दिमाग पॉजिटिव साइड में आए और दूसरों को भी आप पॉजिटिव साइड में ले जाएं। एक सीधा सा है, मैं नहीं कर सकता, आई कांट। ये कर सकते हो भाई? नहीं महाराज, ये तो नहीं कर सकता। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हम सीधा बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता, ये नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर सकता की बजाय आप इतना ही शुरू कर दें कि मैं कोशिश करूंगा तो भी ठीक है। कोशिश करना लगभग होता नहीं है, इसकी जगह ये हो जाए आई विल, आई कैन। कैन का मतलब है मैं कर सकता हूं, करूंगा नहीं करूंगा अलग बात है, मेरे में कैपेसिटी है, आई वुड। तो अपने आप भीतर से वो कैपेसिटी जगने लग जाएगी। हनुमान जी जब लंका के लिए जा रहे थे, समुद्र पार करना था, तो उनके मन में भी यही एक नेगेटिव एटीट्यूड था, समुद्र पार कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। और उस समय जब जाम्बवंत ने और बाकी बंदरों ने उनका उत्साह जगाया और कहा कि हे पवनंजय, तुम्हारे में इतनी क्षमता है कि तुम एक समुद्र तो क्या, सात समुद्र भी कूद जाओगे, उनका वो पौरुष जगा और उन्होंने समुद्र को पार करके लंका तक पहुंच गए। तो यदि हमारे भीतर में बोल बोल के पॉजिटिव एफर्मेशन दें तो आपका बोलना भी पॉजिटिव, उसको सुनेंगे तो पॉजिटिव, वो थॉट्स पॉजिटिव, तो वो एक्शन भी पॉजिटिव होने लग जाएगा। तो जब कभी भी बोलें, पॉजिटिव बोलने की ओर ध्यान रखें। यदि हम पॉजिटिव नहीं बोलते हैं, नॉट का प्रयोग करते हैं, तो बहुत सी बार दिमाग उसको नॉट नहीं समझता। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि मैं यदि ये बोलूं कि मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो कभी कभी दिमाग नहीं को पढ़ नहीं पाता और वो समझता है मैं गुस्सा करूंगा। इसको भी पॉजिटिव बना दें कि मैं शांत रहूंगा, तो अब आपके ब्रेन में हमेशा ये बात जाएगी, मुझे कोई कुछ भी कह दे मैं शांत रहूंगा, मैं हर गई आई बात को, कोई भी बात आई उसमें संभाव में रह सकता हूं। आप बोल दे मुझसे सहन नहीं होता है, कोई झूठा आरोप लगा दे मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो कर भी नहीं पाएंगे। मुझे कोई कुछ भी कह दे मैं एकदम संभाव में रह सकता हूं, तो वो आप अपने आप उस दिशा में बढ़ जाएंगे। कभी कभी नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव भी होता है। जब मैं कहता हूं कि मैं उसे बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं गुस्सा नहीं करूंगा, तो उस नहीं करूंगा गुस्सा खुद नेगेटिव है, और उसको नहीं करूंगा तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव भी है। बट जहां कहीं भी मन में नेगेटिविटी है तो वहां तो वो फिर नेगेटिव की तरफ ही जाएगा। तो पॉजिटिव एफर्मेशन का प्रयोग करें। बोलते समय इस चीज का ध्यान रखें कि ब्लेम न करें। हमारी भाषा के टोन में कभी कभी ये होता है कि हम आरोप लगाते हैं। जैसे कोई आदमी लेट हो गया तो आपको तकलीफ क्या है कि अभी लेट आया है, और हम उसे ये कहेंगे कि तुम हमेशा लेट आते हो, तुम्हारी आदत ही काम चोरी की है, तुम्हारी आदत ज्यादा बोलने की है। तो या तो हम उसके हैबिट पे चले जाते हैं या उसके नेचर पे चले जाते हैं, तो वो हमेशा ऐसे हो जाता है। उसकी बजाय उसको ब्लेम न करें और ये बताएं कि तुम अभी लेट पहुंचे हो, तो ये हो जाती है एक घटना। और जब मैं ये कहता हूं कि तुम हमेशा लेट आते हो, तो ये है उस पर आरोप। तो आरोप जहां पे होगा वहां पे वापस ऑफेंस एंड डिफेंस का फार्मूला काम आने लग जाएगा और लड़ाई झगड़े बढ़ने की संभावना रहेगी। और घटना है और मुझे ऐसा लगता है कि तुमने शायद ऐसा किया होगा, ठीक है, मुझे लगता है कि शायद कोई परिस्थिति ऐसी हुई होगी कि तुमने ये किया हो, तो वो अपने आप ही आपको सफाई दे देगा कि मैंने ऐसे नहीं किया, मैं ये कर रहा था, ऐसा हो गया। बट यदि आप आरोप लगाएंगे तो आपस की मैत्री बिखर जाएगी। तो जब कभी भी बोलना हो तो किसी पे भी ब्लेम लगाने की कोशिश ना करें, सिर्फ उसी घटना की चर्चा करें जो घटना चल रही हो। जब भी बोलें तो यह ध्यान रखें कि हम पोलाइटली बोलें। यदि आप पोलाइटली कोई भी काम करना चाहेंगे तो वो काम हो सकता है। एग्रेसिवली बोल करके काम करवाना चाहेंगे तो जरूरी नहीं कि वो काम हो भी जाए तो वो अच्छे तरीके से तो नहीं होगा, चाहे आपका स्टाफ ही क्यों ना हो।
यदि मैं किसी को बोलूं पानी लेके आ, दूसरा उसको बोलूं एक गिलास पानी ला दोगे क्या, इस दोनों में इतना अंतर है कि उसका जाना पानी लाना हो सकता है कि दोनों में हो, क्योंकि वो नौकर होगा, बट दूसरे में जब वो जाएगा तो प्यार से जाएगा, प्यार से आपके लिए पानी लेकर के आएगा। पहले में जाएगा तो वो बिना मन जाएगा और बिना मन एक पानी निकाल करके नेगेटिव भावों के साथ आपको पानी पकड़ा देगा। तो जिस किसी को भी हम बोलें, जब हम मैनर्स की बात करते हैं तो सॉरी और प्लीज बोलना सिखाते हैं कि कुछ भी हो गया तो सॉरी बोल दो, प्लीज बोल दो, बट वो प्लीज और सॉरी भीतर से निकलनी चाहिए, न कि ग्रामेटिकल की आगे प्लीज लगाना है कि सॉरी बोलना है। जब वो भीतर से भाव निकलते हैं तो वो फिर चीज बदल जाती है। मंत्री मुनिश्री थे मगनमल जी स्वामी, सदा शहर में विराजमान थे, उनकी सेवा में जो संत थे वो हमेशा उनको पानी पिलाने के लिए आते थे। किसी दिन लेट भी हो जाते तो ये नहीं कहते कि तुम लेट हो गए हो, बोले कि देखो मारो कितो ध्यान रखे, मैंने पानी पिलाना आया है, काम लागेड़ा उसी मोड़ो बेगो हो गयो लो। तब उस आदमी को अपने आप रियलाइज भी हो गया और उसको बुरा भी नहीं लगा, उसकी प्रशंसा भी कर दी। किसी को यदि टोकना भी है, गलती भी ध्यान में दिलानी है, तो उसको आप सैंडविच बना दो। सैंडविच कैसे? सैंडविच में क्या होता है कि दो तरफ कोई चीज होती है और उसके बीच में एक मसाला डाला होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको किसी की गलती बतानी है कि इसने खाने में ये गलत बना दिया, ठीक है। अब आपको उसे बताने का दो तरीका है, एक तो ये है कि उसे जाकर के सीधा बोलो कि तुमने ये गलती की है, दूसरा तरीका है कि उसको बोलो कि तुमने खाना बहुत मन से बनाया, थोड़ा सा ये नमक को एडजस्ट कर लेते तो ये और अच्छा बनता, वैसे तुमने मेहनत पूरी की। तो दो साइड पॉजिटिव और बीच में उसकी मिस्टेक को डाल करके हमने बैलेंस कर दिया। पहले तो उसकी प्रशंसा की तो वो रेडी हो गया आपकी बात सुनने को, फिर आपने अपना सजेशन दिया बिना किसी आरोप के, बिना किसी ब्लेम के, और फिर वापस उसकी एक प्रशंसा की क्योंकि उसने मेहनत तो की, तो आपने उसका सही प्रशंसा की तो उसे वो चीज बुरी नहीं लगी। और उसी चीज को यदि आप ऐसा नहीं कहते तो हो सकता है कि वो मन में बुरा फील करके बैठ जाता, अगली बार से बनाना ही बंद कर देता, पता नहीं बनाऊंगा गलत हो जाए फिर बिना मतलब दो बात सुननी पड़ेगी, इससे अच्छा बनाओ मत। तो इसे थोड़ा सा पॉजिटिव वे में पोलाइटली बोलना सीख जाए तो आपस के हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो सकते हैं। और गलती किससे नहीं होती, इंसान है, छद्मस्त है, तो गलती स्वाभाविक है। उस गलती को बताने का रीजन किसी को नीचा दिखाना नहीं अपितु उसमें सुधार करना है, तो हम उसे सैंडविच टेक्निक को यूज करके आगे बढ़ सकते हैं। कौआ बोलता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता, कागा किसका धन हरे कोयल किसको देत, कोयल किसी को कुछ देती नहीं है और कौआ किसी का कुछ चुरा के नहीं ले जाता, फिर भी मीठे वचन से जग अपना कर लेत, तुलसी मीठे वचन से जग अपना कर लेत। एक मीठे बोलने के कारण कोयल को हर कोई पसंद करता है और कौआ को पसंद नहीं करता। तो यदि हम अपनी बात को पोलाइटली मधुर आवाज में बोले तो लोग उसको ज्यादा मानेंगे। एक घटना मुझे याद आ रही है, एक टैक्सी ड्राइवर टैक्सी चला रहा था और अचानक से इधर से एक गाड़ी आई गली से निकल करके और वो टैक्सी ड्राइवर के टकराते हुए आगे जा रही थी, टैक्सी के खरोंच लगी और वो जो सामने से गाड़ी वाला आया वो उतरा और टैक्सी वाले को भला बुरा सुनाने लगा और टैक्सी वाला सिर्फ स्माइल कर रहा था, कुछ भी नहीं बोला, जबकि गलती उस गाड़ी वाले की थी। गाड़ी वाला अचानक से निकला, टैक्सी के खरोंच लगी, तो टैक्सी पे जो सवारी बैठी थी उसने ड्राइवर से कहा कि तुम अजीब आदमी हो, एक तो उसने गलती की, ऊपर से तुमको इतनी चीजें सुना के गया और तुम मुस्कुरा रहे थे। उस टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि बाबू देखो बात यह है कि जो खरोंच लग गई वो तो ठीक होने से रही, मैं चाहे कितना भी उसको 100 गाली दे दूं, इसे ठीक कराने तो मुझे ही जाना पड़ेगा।
उसके पास में क्या था, उसके दिमाग में गार्बेज भरा था जो उसने अपनी जबान से निकाल दिया। यदि मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता तो मेरे दिमाग में वो गार्बेज आता, मैंने उसकी बात को ध्यान दिया ही नहीं, वो बोलता रहा मुझे क्या मतलब है। तो मेरे दिमाग में ये गार्बेज नहीं आया और मेरा दिमाग जैसा कूल था वैसा ही बना रहा। तो एक टैक्सी ड्राइवर भी इतनी छोटी सी बात को इतने तरीके से समझ सकता है, तो क्या हम हमारे दिमाग को गार्बेज बना लेंगे कि दूसरे ने कहा और हमने भी हमारे दिमाग के गार्बेज को निकालना शुरू कर दिया, गार्बेज पैदा ही ना होने दें। तो पोलाइटली सिर्फ मुस्कुरा दो तो इतने से भी काम चल सकता है। जब कभी बोलना हो तो ध्यान रखना चाहिए कि दो आदमी बात कर रहे हो, यदि पर्सनल या कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो तो बीच में जाके इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। कभी कभी होता है कि इंटरप्ट कर जाते हैं, फिर या तो दोनों को अकवर्ड लगता है या वो दोनों आपसे बात ही नहीं करेंगे, आगे निकल जाएंगे। तो जब बात कर रहे हैं तो आगम में दशवैकालिक सूत्र में पूरा एक अध्ययन आता है, उसका नाम ही है वक्क शुद्धि। उसमें साधु को क्या बोलना, कैसे बोलना, कहाँ नहीं बोलना, यही सिखाया गया। और ये कहा गया कि यदि आप काणे आदमी को काणा बोलते हो, चोर को चोर बोलते हो तो भी पाप है, सत्य है, पर वो सत्य कैसा है, कटु है, अप्रिय है, हिंसाकारक है, तो ऐसा भी मत बोलो। ये सिखाया गया अपुच्छियो न भाषित जा, बिना पूछे मत बोलो। अपुच्छियो न भाषित जा भाष मानस अंतरा, कि दो बोल रहे हो उनके बीच में जाके मत बोलो। ऐसे कितने ही निर्देश जैन शास्त्रों में आज से 2500 साल पहले भी आर्ट ऑफ स्पीकिंग का सिखाया गया है। तो वो केवल साधुओं के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, अपितु हर आदमी उसे अपने लाइफ में अपना सकता है। तो यदि हम बोलने में इन सब चीज़ों का ध्यान रख लें तो बहुत सारी लड़ाई झगड़े से बच जाएंगे। महाभारत की लड़ाई बोलने के कारण हुई थी, आप सब लोग जानते हैं। अंधे का बेटा अंधा होता है, एक टोन ने सारा गड़बड़ कर दिया। तो घर में तो पता नहीं ऐसे कितने ही टोन दोनों तरफ से नॉनस्टॉप चलते होंगे। इधर से रसोई जाते समय एक बोलते ना तुणक लो नाग्यो, एक छोटी सी चिंगारी लगाई और चले गए। फिर सामने वाला उसका जवाब सोचता है, पूरा फ्रेम करता है। जब तीन जन बैठे होते हैं तो बीच में थोड़ा सा टोंट कस के चला जाता है। तो इसको हम यदि बंद कर दें शटल कॉक की तरह खेलना, तो फिर क्या होगा कि घर में शांति रहेगी। घर में शांति नहीं होगी, हस्बैंड वाइफ दो तो घर में रहते हैं, आजकल तो वैसे ही न्यूक्लियर फैमिली है, चार आदमी घर में, मियाँ बीबी दो बच्चे, दोनों बच्चे कहीं हॉस्टल में पढ़ने गए हैं तो दो के दो ही हैं, उसमें भी झगड़ पड़ोगे तो क्या होगा, फिर तो परेशानी होनी है। एक बार एक आदमी को सुबह किसी काम से 6 बजे की ट्रेन पकड़नी थी, प्रॉब्लम ये हो गई कि पति पत्नी दोनों में झगड़ा चल रहा था। और झगड़ा कब होता है, जब ज़्यादा बोलते हैं, और उसका रिजल्ट क्या होता है ज्यादा बोलने का, मौन, आपस में बोलचाल बंद, कट्टी होती है ना, तो बोलचाल बंद। अब पहले बोले कौन, पहले तो बोलचाल बंद, उसके बाद ईगो, मैं नहीं झुक सकता, उसने गलती की है वो सॉरी बोले तो बोलूंगा नहीं तो नहीं बोलूंगा। दूसरा भी यही सोचता है कि मैं सॉरी नहीं बोलने वाली, वो मुझे सॉरी बोले रोज रोज मैं ही क्यों बोलूं, कभी तो वो भी बोलेगा, वो बोलेगा तो ही मैं बोलूंगी नहीं तो नहीं बोलूंगी। अब दोनों जन मौन, घर में रहने वाले दो के दो, सुबह 6 बजे उन्हें उठ करके जाना है, क्वेश्चन हो गया कि सुबह उठाए कौन, और नहीं उठाए तो फ्लाइट मिस हो जाएगी, फ्लाइट मिस हो गई तो वो जो इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग है वो छूट जाएगी, नुकसान हो जाएगा। बहुत सोचा, कुछ सॉल्यूशन क्या निकाले, अलार्म से तो नींद उड़ेगी नहीं। तो उसने फिर सोचा कि चलो एक काम करता हूँ, बोलना तो नहीं है, लिख तो सकता ही हूँ। मौन करते हैं तब भी लोग ऐसे ही करते हैं, 1 घंटे का मौन ले लेंगे, अब मौन में बोल तो नहीं सकते, लिखते रहेंगे, पूरी पेन खाली कर देंगे, और नहीं तो उं, 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 उं। अरे भाई मतलब क्या, 1 घंटा मौन तो मौन,
अब दोनों का मौन उसने सॉल्यूशन निकाला, एक कागज पे लिखा कि मुझे 6 बजे उठा देना, जरूरी काम से मुझे फ्लाइट पकड़नी है, और उसके तकिए की ओर रख दिया। वाइफ ने भी देखा, पर्ची पड़ी, कोई बात नहीं। अगले दिन सुबह जब पति की नींद उड़ी, घड़ी देखा तो 8 बज रहे थे। उसे बड़ा गुस्सा आया, बोले यार जब मैंने रिक्वेस्ट कर दी अपने ईगो को कुछ कम करके, तो कम से कम उठा तो देना चाहिए था, इसमें कौन सा बोलने की जरूरत थी। तो आंख निकाल के देखने लगा तो पत्नी ने इशारा किया, उधर देखो। उधर देखा तो तकिए के पास एक पर्ची पड़ी थी जिसमें लिखा था 6 बज गए हैं, उठ जाओ। अब यह स्थिति कब पैदा होती है? जब झगड़ा होता है। झगड़ा कब पैदा होता है? जब ज्यादा बोलते हैं, कटु बोलते हैं, एक दूसरे पे ब्लेम करते हैं। यदि हम इन सब चीजों को ठीक कर लें तो बहुत सारी चीजें अपने आप ठीक हो जाएगी। और जब से मोबाइल आ गया तब से बोलना और बढ़ गया। पहले तो कोई घर पे आता तब बोलते थे, अब तो नहीं आए तो भी वो बस फोन दिन भर चालू है। आधी घंटा पियर में बात की, आधी घंटा सहेली से बात की, आधी घंटा कस्टमर से बात किया, कभी दोस्तों से किया, और नहीं तो बोल बोल के लिख लिख के किया। तो इसको हम कुछ कम करें। रात को 9 बजे के बाद कोई भी बिजनेस से रिलेटेड या ऑफिस से रिलेटेड फोन कॉल नहीं उठाना है। आप क्या करते हैं कि ऑफिस को घर में लेके आ जाते हैं। पहले तो रहते ही 9 बजे तक दुकान में, 8 बजे तक, और उसके बाद सारे पार्टियों के, कस्टमर के, उनके फोन चालू हैं, सारे ऑफिस से रिपोर्ट आ रहे हैं, तो घर पे कब है? घर पे भी यदि ऑफिस है तो इससे अच्छा है कि ऑफिस में एक बेड लगा के वहीं सो जाना चाहिए। खाने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्विगी वाले भी पहुंचा देंगे। यदि आपको घर पे रहना है तो ऑफिस को घर पे मत लाओ और घर को ऑफिस में मत ले जाओ। यदि हम इतना सा ध्यान दे लें तो भी बोलने की कुछ सीमा हो जाएगी। मौन का अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे एक आदत पड़ेगी कम बोलने की, और कम बोलने की आदत, साइलेंस की प्रैक्टिस, साइलेंस सेव्स योर वाइटल एनर्जी। आपके भीतर में अपने आप एनर्जी लेवल बढ़ेगा, और साइलेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो वो टूवर्ड्स हैप्पीनेस ले जाएगा। आप अपने आप महसूस करेंगे कि मैं पहले से ज़्यादा सुखी हूँ, क्योंकि झगड़े के चांसेस कम हो गए। किसी ने कुछ टॉन्ट भी कसा तो नो रिप्लाई, आप रिप्लाई मत करो। तो उसके बाद क्या होगा? वन साइडेड कभी कुछ नहीं चलता। आप कम बोलो, लोग अपने आप आपसे उतनी ही बात करेंगे जितनी जरूरत है। तो हैप्पीनेस का एक इम्पॉर्टेंट टूल है मित भाषण, कम बोलना, और यदि कभी बोलना पड़े तो मधुर बोलना, प्यार से बोलना, धीरे बोलना, बिना आरोप के बोलना, पॉजिटिव बोलना। इन सब चीज़ों को हम सीख जाएं तो हमारा बोलना अपने आप में एक आर्ट बन जाएगा। और अदरवाइज तो दिन भर बोलना तो रेडियो भी बोलता रहता है। हमें ये सोचना है कि हम इंसान हैं या रेडियो। वंदे होनियरम, आज आपने कैसे बोलने के बारे में बहुत अच्छी तरह हम लोगों को समझाया। कुछ बातें आप उसमें छूट गई है या अक्सर नहीं आती है, उनके कुछ समाधान चाहूँगा। और चूँकि टाइम 15 मिनट का ही है तो सारे क्वेश्चन मैं एक साथ ही पूछ लेता हूँ ताकि एक साथ ही जवाब मिल जाए मुझे। हमारी एज हो चुकी है 60 के आसपास। अब हमारे घर में हमको औरतें भी कहती है, बच्चे भी कहते हैं कि इन्हों हवाओ तो डिरम नौके जड़ो रेगो, इनका स्वभाव तो बहुत बिगड़ गया है। शारीरिक केमिकल हार्मोन्स के कारण हमारे वो स्वभाव में परिवर्तन आता है, जिसकी ना तो कोई दवा है और ना कोई इलाज है। तो हम उसको किस तरह से दूर कर सकते हैं? द्वितीय बात, नहीं बोलते हैं हम, कम बोलते हैं तो कई साड़ो गुंगो है, इन्हें तो बहुत घमंड आ गया है, बोले ही को नहीं, बात ही नहीं करे। तीसरा है, एक बहुत ही कड़वा प्रश्न है, क्षमा चाहूँगा, पूज्यवर बहुत कम बोलते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर कई बार हमको लगता है कि हमारे सारने वारने में कहीं कमी आई है पहले से ज़्यादा, तो नहीं बोलने से इसका नेगेटिव प्रभाव भी हमारे पर है। वो सत्य है या नहीं है इसकी
मैं नहीं कहता पर ऐसा हमें फील होता है। तीसरा प्रश्न है, थली में लोग बोलते हैं हारमोनिया कटे गयो तो रही, हमारे यहाँ बोलते हैं मारवाड़ में हनुमान जी कटे पधारिया था। हमारे यहाँ जो साधु साध्वी है वो थली प्रदेश से ज़्यादा है, तो वो किस तरह अपनी भाषा को तेरापंथ धर्म संघ में आकर के सुधारते हैं इसके विषय में, क्योंकि उनकी बचपन की वही बोली होती है फिर वो यहाँ सुधार देते हैं, तो उसका क्या फॉर्मूला है? कम्युनिकेशन गैप हो जाता है कई बार नहीं बोलने से या कम बोलने से, और बोस के सामने तो अगर पॉजिटिव बोल दिया, जैसा कि आपने कहा पॉजिटिव बोलना चाहिए, बोस के सामने तो यदि अगर पॉजिटिव बोल दिया तो बोस सीधा यही सोचता है कि अब इन्हें बहुत ज़्यादा घमंड आ गया है, अब वो फालतू की बातों बोलन डूब गया है या ज़्यादा होशियार है गो है, तो कृपया इन सब छोटी छोटी बातों को हमें ऐसे फार्मूले दें कि हम सुधर सकें। क्वेश्चन पेपर मुझे मिल जाए तो एग्ज़ाम देने में सुविधा रहेगी। बम्बोली जी ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं, ऐसा है एक क्वेश्चन था कि नहीं बोलते हैं तो लोग कहते हैं कि गूंगा है या बहुत घमंडी है, तो ये लोगों का देखने का एक नजरिया है, उसको दूसरी ओर लोग ये भी देखते हैं कि ये बहुत मितभाषी है, तो किसी दूसरे के नजरिए के अनुसार यदि हम अपने आप को पूरा बदलेंगे तो शायद कहीं भी पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए एक दिन मैंने पहले भी चर्चा की थी कि सबसे मोटा रोग क्या कहेंगे लोग, लोग क्या कहेंगे इसकी बजाय यदि क्या होना चाहिए उस पर हम ध्यान दे लें, अपनी तरफ से हम अच्छे से अच्छा करें, तो मेरे ख्याल से फिर लोग कुछ कहें भी तो कोई खास बात नहीं है। दूसरा एक क्वेश्चन है कि जोधपुर में गाली भी बोलते हैं तो सा लगाते हैं, ये सही है, वहाँ पे यदि गुस्से में भी बोलेंगे तो सा के बिना नहीं बोलेंगे, और आज भी यहाँ भी देखते हैं कि कोई लोग आते हैं यदि वो मारवाड़ साइड के हो कांठा साइड के, तो वो आपस में बात भी करेंगे तो प्रेमराज सा लगाएंगे, प्रेमराज जी नहीं बोलेंगे, प्रेमराज सा कदी आया सा, तो वो एक भाषा है। और ये आप देख लें कि यदि ये भाषा आपको पसंद आई इसका कारण क्या, क्योंकि इस भाषा में मधुरता है, इसमें सम्मान है, तो जो चीज़ अच्छी हो जहाँ की भी हो उसे अपनाना चाहिए। हाँ, किसी से प्यार होगा तो उसको तो आप कुछ भी बोल लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट एक रेस्पेक्ट हर आदमी के साथ होना चाहिए, और ये भी समझना चाहिए कि हर जगह की लैंग्वेज, हर जगह का कल्चर अलग अलग होता है, तो यदि उस लैंग्वेज में कोई ऐसी बात हो भी उसका इंटेंशन वैसा नहीं है तो उसे उतना बुरा मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों का लैंग्वेज और कल्चर का डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस को पकड़ लेंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। कुछ चीज़ें हो सकता है कि थली वालों को अटपटी लगे, कुछ मारवाड़ वालों को अटपटी लगे, कुछ जापान वालों को अटपटी लगेगी, हम हिंदुस्तान वाले जाके यदि कचरा फेंक देते हैं कॉमन, उठाया और थूक दिया, वो लोग देखते हैं पता नहीं ये असभ्य लोग कहाँ से आ गए, और यहाँ पे जब अमेरिका वाले आकर के नाक साफ करके उसी टिश्यू को अपने पॉकेट में डाल देते हैं तो हिंदुस्तान के राजस्थान वाले देखते हैं ये क्या आदमी है, तो ये कल्चरल डिफरेंस है। तो ये मेरे ख्याल से यदि समझ में आ जाए एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग तो वो बहुत बुरी नहीं लगेगी। तीसरी बात, आचार्य प्रवर कम बोलते हैं तो बहुत से लोगों को लगता है कि मैंने ही बात की, आचार्य प्रवर कुछ भी नहीं बोलते, तो यदि मुझे लगता है कि आचार्य प्रवर कम बोलते हैं तो वो आप लोगों की सबकी बातों को बहुत ध्यान से सुन पाते हैं। किसी ने ये कंप्लेन नहीं की कि आचार्य प्रवर ने हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने सुन ली, अब उनको जितना जरूरत लगा उन्होंने उसका उत्तर दिया, एंड समटाइम्स साइलेंस इज अ बेस्ट आंसर, तो मुस्कुरा करके उस चीज को पूरा कर लेते हैं जिसके लिए हम लोगों ने 10 मिनट तक उनका टाइम खराब किया था। यदि हम उस गुण को सीख लें तो मुझे लगता है कि वो दिन में 100 लोगों को और मौका दे पाएंगे
कि उन लोगों को भी सेवा का अवसर मिल सके। एक क्वेश्चन था कि बॉस के सामने पॉजिटिव बोलते हैं तो वो सोचता है कि कुछ ज़्यादा ही होशियार है। इसका दूसरा ये भी है कि जो बॉस के सामने ज़्यादा अच्छा काम करता है, पॉजिटिव बोलता है, उसका प्रमोशन होता है, और जो नेगेटिविटी देखेगा हर बात में तो बॉस थोड़े दिन में उससे तंग आकर के निकाल देगा। कोई भी काम उसे बोला बोला नहीं साहब ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा ये बोलता है कि साहब इसमें प्रॉब्लम तो होगी बट फिर भी मैं कोशिश करूँगा इसको करने की। तो आप खुद सोच लें कि आपके जो दो स्टाफ हैं लुधियाना में लॉटरी वाले, तो वो दोनों आपको जितना पॉजिटिव देते हैं उतना ही आप उनको विश्वास के साथ सारा काम सौंप के आते हैं। और यदि वो ये बोल दे बम्बोली जी आप चेन्नई जा रहे हो, पीछे पता नहीं सारा हो सकता है लुट जाएगा, तो आप उसको छोड़ोगे और दूसरे को बिठा के आओगे। तो पॉजिटिविटी लॉन्ग टर्म में कुछ लेके उठती है और नेगेटिविटी अपनी कीमत चुका के ही जाती है। एक क्वेश्चन था जो एज ज़्यादा होने के कारण कुछ चेंज हो गया स्वभाव में हो गया, या इसे कैसा कह सकते हैं कि कभी कभी किसी किसी में चिड़चिड़ापन डेवलप हो जाता है, तो वो क्या करें। उसमें कई रीज़न है, चिड़चिड़ापन है, फ्रस्ट्रेशन है, किसी ज़माने में फुल पावर में दिन भर ऑर्डर मार के काम करवाया हुआ था और अब घर में बच्चों पे ऑर्डर चलता नहीं है, बहू को ज़्यादा ऑर्डर लगाए तो पता नहीं वो जाएगी या आपको जाना पड़े, तो उस स्थिति में क्या करें। तो उस स्थिति में बेटर तरीका तो ये है कि जब 30s 40s में हो तभी अपने आप को बदलना शुरू कर लें अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। नहीं हो सका तो 60 के बाद कम से कम ये सीखें। तभी तो मैंने इतनी देर तक बोला है कि कहीं ना कहीं कुछ असर किसी न किसी के तो आएगा, किसी के कोई बात अच्छी लगेगी, किसी को कुछ अच्छी लगेगी। यदि इसी तरीके से रोज सुनते रहेंगे तो हो सकता है कि बोलने का तरीका, देखने का तरीका, सोचने का तरीका कुछ बदलेगा तो आपके घर में और ज़्यादा खुशी रह सकेगी। और एक आध क्वेश्चन तो क्वेश्चन पेपर में भी छोड़ते हैं, मैंने भी छोड़ दिया। बनते मेरा एक क्वेश्चन है और एक बात भी शेयर करना चाहूँगा। क्वेश्चन मेरा यह है कि बचपन और पचपन, बच्चों को बहुत बार प्यार से, जैसे आपने कहा कि कम शब्दों में समझाना चाहिए, एक बार कहा बेटा ये मत करो तो भी उसने किया, दूसरी बार कहा बेटा ये मत करो, मोस्टली वाइफ के साथ में केस ज़्यादा होता है, जैसे हम तो ऑफिस चले जाते हैं तो शाम को जब घर पर आते हैं तो बहुत बार वाइफ का फ्रस्ट्रेशन हस्बैंड पर निकलता है कि आप सुनते नहीं हो, आप बोलते नहीं हो। तो वही बात आती है कि आप प्यार से बोलो समझेंगे, पर कितनी बार बोलने का, एक बार बोलने का, दो बार बोलने का, तीन बार बोलने का। सेम चीज़ बच्चों के अलावा जैसे मदर के साथ में भी होती है, उनकी एज हो गई 68 प्लस हो गई सपोज, तो जैसे आपने क्वेश्चन किया था चिड़चिड़ापन आ जाता है, जैसा एक बार बोला मम्मी जी रहने दो मैं कर लूँगी तो भी वापस वही चीज़ सपोज रिपीट करते। मेरा क्वेश्चन ये था। और दूसरा एक शेयर करना चाहूँगा मैं, जैसे आपने कहा था कि गुरुदेव बहुत कम बोलते हैं, मार्च में मैं रास्ते के समय में आया था अंधेरी तेरापंथ युवक परिषद मुंबई से, तो गुरुदेव का एक प्रमुखा श्री जी का मैंने पढ़ा था कि गुरुदेव को 2016 में कुछ चर्म रोग हो गया था, मेडिसिन लेने के बावजूद भी ठीक नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा उस चर्म रोग को ठीक किया, तो सेवा का मौका दिया था गुरुदेव ने 10 मिनट का जैसे आपने कहा, और गुरुदेव शांत थे, इंट्रोडक्शन हो गया, अब क्या बोलने का। तो मेरे भाव ऐसा हुए कि गुरुदेव को पूछूं कि क्या हम भी संकल्प शक्ति के द्वारा इस तरह से कभी कुछ प्रॉब्लम हो शारीरिक तो उसे ठीक कर सकते हैं क्या। तो मैंने गुरुदेव को कहा कि गुरुदेव मैंने आपका ये पढ़ा था कि आपको चर्म रोग हुआ था और आपने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा उसको ठीक किया। तो गुरुदेव मेरी पूरी बात सुनी, अब मैं एक्सेप्ट कर रहा था कि गुरुदेव मुझे आंसर करेंगे कि कैसे किया। गुरुदेव ने अपनी मनमोहक मुस्कान से दोनों हाथ उठाए, आशीर्वाद दिया और हमारा समय खत्म हो गया था। मैं काफ़ी देर तक सोच रहा गुरुदेव ने कुछ कहा नहीं, मैंने पूछा गुरुदेव को कहना चाहिए था कि आप भी ऐसे कर सकते हो या वैसे कर सकते हो, बट फिर ध्यान आया मैं प्रेक्षा ध्यान में थोड़ा इंटरेस्ट है, तो बाद में जब प्रेक्षा ध्यान में अनुप्रेक्षा होती है तो उसके अंदर धीरे धीरे पता चला कि हाँ संकल्प शक्ति के द्वारा कैसे होता है, और योग से
जून महीने में हम लोगों को केरला फैमिली के साथ में ट्रिप पर जाना हुआ और वहाँ पे मोशन सिकनेस की वजह से कुछ चक्कर का प्रॉब्लम आया था। कुछ दिन 7-8 दिन वो कंटिन्यू रहा, बॉम्बे आने के बाद में भी वो चीज़ फील हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे प्रेक्षा ध्यान और संकल्प शक्ति के द्वारा शायद 15-20 डेज में मेरी वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन। उस टाइम मैंने गुरुदेव को बहुत याद किया और गुरुदेव का जो आशीर्वाद मिला था कि किस तरह हम बिना बोले भी समझ सकते हैं बातों को। धन्यवाद। ऐसा है कि जो गुरुदेव से क्वेश्चन पूछा ना, उसको थोड़ा सा यदि फ्रेम चेंज कर देते तो शायद आंसर मिल जाता। क्वेश्चन ये पूछा कि क्या गुरुदेव हम भी संकल्प शक्ति के द्वारा इसे ठीक कर सकते हैं। गुरुदेव मुस्कुरा दिए, मतलब कर सकते हो। यदि यही पूछ लेता कि गुरुदेव इस संकल्प शक्ति के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं, क्या प्रयोग करना चाहिए, तो गुरुदेव को कुछ आंसर देना होता। तो यदि हम क्वेश्चन सही करेंगे तो हमें आंसर भी मिल जाएगा। दूसरा एक सवाल जो किया कि बच्चों को बहुत सी बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानते, इसी तरीके से बड़ों को बहुत सी बार समझाने के बाद भी वो नहीं मान पाते, इसके लिए क्या करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये अपने आप में एक पूरा टॉपिक है जो हर आदमी को लगभग फेस करना पड़ता है या फेस करना पड़ेगा, तो उस स्थिति पे इस पर लंबा डिस्कस हो सकता है। बट शॉर्ट में कहना चाहूँगा तो यही है कि हमें उनको समझ के उनकी लैंग्वेज में उनकी सोच के अकॉर्डिंग उनको समझाना पड़ेगा। यदि आप बच्चों को, 3 साल के बच्चों को पूरा केमिकल का डिस्चार्ज और एनाटॉमी बना करके समझाएंगे तो हो सकता है सब उसके ऊपर से चला जाएगा। उसको समझाने का तरीका स्टोरी के माध्यम से अलग होगा। और यदि वही चीज़ मुझे किसी माँ को या पिता को समझाना हो, किसी बूढ़े बडेरे को समझाना हो, तो मुझे उनकी भाषा में उनके समय के एग्जाम्पल्स को लेकर के उनके लाइफ को देखते हुए कि उनका स्वभाव कैसा है, मानने जैसा है नहीं मानने जैसा है, लाइफ कैसे गुजारी, उसके अकॉर्डिंग वो वैसे ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा चेंज होने के चांस नहीं है क्योंकि उन्होंने 70 साल उसी तरीके से जिया है। और आप बोल दो कि 2 दिन में भैया तुम पूरा ही बदल रहा हो, तो ये कैसे पॉसिबल है। यदि उन्होंने आपको कुछ कहा 16 साल की एज में, तो क्या आप बदल गए थे? जिस समय 16 साल की एज में कहते थे क्रिकेट खेलने बाहर नहीं जाना है, 2 बार समझाया, 3 बार समझाया, पर नहीं मानते थे, कैसे न कैसे बहाना बना के स्कूल से इधर उधर से भाग जाते थे। उसी तरीके से मैं अभी एक निष्कर्ष पे कुछ कुछ पहुंचा हूं कि आदमी की एज जैसे जैसे बढ़ती है नेचर, वैसे वैसे वो वापस घटता है। तो जैसे वो अभी 80 साल का हो जाएगा तो उसका बिहेवियर 5 साल के बच्चे जैसा, 10 साल के बच्चे जैसा हो जाएगा और जिद पकड़ेगा। और जब वो एकदम लास्ट स्टेज में होगा तो हो सकता है वो बेड पे जो बच्चा होता है 2 साल का, उसी की तरह सब काम करने लगेगा। तो जब आप 20 साल के थे एक ईगो था, तो वो आज 60 साल के हैं तो वो उनका ईगो वही है। तो वो जैसे जैसे ग्रेजुअली ढलेगा वो उस बच्चे की स्टेज में आएंगे। तो उनके एज को, उनकी मेंटालिटी को देखते हुए उनको यदि तरीके से समझाया जाए तो बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। और अपने आप में ये एक पूरा इंडिपेंडेंट टॉपिक है। लास्ट क्वेश्चन, समाइक में मौन कर सकते हैं, उसमें डाल वगैरह गाल सकते हैं, जाप वगैरह कर सकते हैं जोर से? यदि मौन है तो नहीं कर सकते, मौन नहीं है तो कर सकते। पूछ लो। मथेन वंदा में बहुत बार अननेसेसरी कॉन्वर्जेशन अवॉइड करने के लिए मैं कम बोलती हूँ, पर दिमाग में वो चलता रहता है कि वो चीज़ मेरे को तभी बोलनी चाहिए थी। तो वर्बली तो एनर्जी सेव कर दी, पर मेंटली इतनी बार रिपीट होता रहता है कि वो एनर्जी 4 गुना ज़्यादा वेस्ट हो जाती, तो इससे कैसे मैं बचूँ? यदि आप बोलते तो शायद वो 4 गुना की जगह 14 गुना वेस्ट होती, क्योंकि सामने से भी वापस चलता तो वो कंटिन्यू चलता रहता शटल कॉक की तरह। इसकी बजाय कम से कम एक साइड का ही है, नंबर 1। नंबर 2, इसके बारे में मैंने चर्चा की थी लिव इन प्रेजेंट वाले टॉपिक पे। दूसरी चर्चा की थी द पपेट शो पे, रिएक्शन नहीं करना या रिएक्शन को कैसे अवॉइड करना। एंड 3rd, हाउ टू मेक फ्रेंड्स पे। तो जब पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाएं,
क्योंकि उनको बार बार दोहरा के आप खुद ही दुखी बनेंगे। उसको निकाल दिया, छोड़ दिया, चेंज तो होना नहीं है, पुरानी चीज़ हिस्ट्री हो गई और वो हो गई, तो उसे हम इग्नोर कर दें तो वो ज़्यादा बेटर है। आप मुझे पर्सनल पूछ लिया था, अच्छा ठीक है पूछ। मन के आपने कहा कि कम बोलना चाहिए, पर कभी कभी कम बोलने से कुछ व्यक्तियों को सफोकेशन हो जाता है, कुछ बोल लिया, डिस्कस कर लिया, बातचीत कर लिया, मन हल्का हो जाता है। अब ये नहीं कभी करे, वो लगता है यार माथा दुखने के गर्म जैसे कुछ हो जाता है, इसके लिए कोई योग है या कुछ ऐसा है, या बोल ले डिस्कस कर लें। कुछ लोग क्या इतना बात करता है, उसको बात बोलने से मन हल्का हो जाता है। तो दो चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रख लें, कम बोलने का अभ्यास करते रहें ताकि माथा हल्का ही रहे, और यदि ऐसी सिचुएशन है तो ऐसा एक आदमी खोज लें कि जिसका माथा भारी न हो और वो सुन भी ले। तो आप लोगों से पिछले 5 सत्रों में 5 सूत्रों की चर्चा की, तो मुझे लगता है वो 5 चीज़ें आपको याद हो गई होगी। न हो तो एक बार दोहरा लेते हैं ताकि आप लोगों को वो 5 चीज़ें याद रह जाए। उसके बाद ये डायलॉग विथ मॉन्क का सिलसिला यूं ही हर संडे चलता रहेगा। स्पीकर का पता नहीं मैं होऊंगा या कोई दूसरा होगा, वो जैसे इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट आप लोगों को मिल जाएंगे। तो पहला फार्मूला क्या था हैप्पीनेस का, भाव क्रिया क्या था, पहला क्या है? आप लोग स्कूल गए या नहीं गए, पढ़े लिखे कितने हैं, प्लीज हाथ उठा सकते हैं? तो वहां कैसे जोर से बोलते थे, यहां 2 जन की आवाज नहीं आ रही। पहला सूत्र क्या है, पहला क्या है, अच्छे से बोले, पहला क्या है? भाव क्रिया। दूसरा सूत्र है प्रतिक्रिया विरति। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, पहला क्या है, दूसरा क्या है, पहला क्या है, दूसरा। तीसरा सूत्र है मैत्री। तीसरा सूत्र है, तीसरा सूत्र है, पहला, दूसरा, तीसरा। चौथा सूत्र है मिताहार, कम खाना। चौथा सूत्र क्या है, चौथा, चौथा सूत्र, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और पांचवा मित भाषण। पांचवा क्या है, पांचवा, अभी तो बोलो, पांचवा क्या है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, पांचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, दूसरा, चौथा, दूसरा, पांचवा, पहला, तीसरा, दूसरा, पांचवा, पहला, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। भाव क्रिया, प्रतिक्रिया विरति, मैत्री, मिताहार, मित भाषण, इन 5 सूत्रों को यदि आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से सुखी हो सकता है। बंधुओं, इसका अभ्यास करें, इसको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, और इनको आप वापस सुने, वापस दोहराएं, तो आपका जीवन सुखी बन सकेगा। और मुझे भी संतोष होगा कि मैंने इन सप्ताह में जो कुछ भी बोला उसका यत्किंचित रिजल्ट मिला है। ओम अरहम।